नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। इंदौर में पत्नी देगी पति को भरण पोषण भत्ता, फैमिली कोर्ट ने सुनाया फैसला। पत्नी से प्रताड़ित युवक ने लगाया था केस। इंदौर में एक पत्नी को भरण पोषण के लिए पति को हर महीने 5,000 रुपये देने होंगे। फैमिली कोर्ट ने बुधवार को यह फैसला सुनाया है। पति ने पत्नी की वजह से पढ़ाई छूटने और बेरोजगार होने का हवाला देकर कोर्ट में केस किया था। मामला दिसंबर 2023 में अदालत में आया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने पति के पक्ष में फैसला लिया। पति के वकील मनीष झरोला ने कहा कि मेरा मुवक्किल अमन, उम्र 23 वर्ष, उज्जैन का रहने वाला है। 2020 में कॉमन फ्रेंड के जरिए उसकी दोस्ती 22 साल की नंदिनी से हुई। बात मुलाकात बढ़ी तो नंदिनी ने अमन को प्रपोज कर दिया। अमन शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन नंदिनी ने उसे आत्महत्या करने की धमकी दी। आखिरकार जुलाई 2021 में आर्य समाज मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। दोनों इंदौर में ही किराए पर मकान लेकर रहने लगे। शादी के बाद नंदिनी अमन को परेशान करने लगी। काफी समझाइश के बाद भी उसका व्यवहार नहीं बदला। परेशान होकर अमन शादी के महज 2 महीने बाद ही सितंबर में नंदिनी को छोड़कर माता पिता के पास चला गया। घर छोड़ा तो पत्नी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। अमन ने परिवार वालों को पूरी बात बताई। वकील के माध्यम से पहले पुलिस को शिकायत की, फिर फैमिली कोर्ट में भरण पोषण का केस लगाया। नंदिनी ने भी अमन पर घरेलू हिंसा का केस लगा दिया। हालांकि उसने कोर्ट में कहा कि वो अमन के साथ रहना चाहती है। दूसरी तरफ अमन ने कोर्ट को बताया कि नंदिनी मुझे प्रताड़ित करती है, उसके साथ में घुटन महसूस करने लगा था। मुझे लगता था कि जैसे मेरा अपहरण कर उसके साथ रहने को मजबूर किया गया है। नंदिनी के माता पिता भी परेशान करते थे। खारिज हो गई पत्नी की दलील, कोर्ट ने माना कामकाजी। अमन ने कहा कि मैं महज 12वीं पास हूँ, मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन नंदिनी की वजह से मेरी पढ़ाई छूट गई। मैं बेरोजगार हूँ जबकि नंदिनी ब्यूटी पार्लर चलाती है, ऐसे में मुझे उसे भरण पोषण भत्ता दिलाया जाए। नंदिनी ने खुद को बेरोजगार बताते हुए भत्ता देने में असमर्थता जाहिर की। इस पर अमन की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि जब नंदिनी ने थाने में उसकी गुमशुदगी रिपोर्ट लिखाई थी, तब पुलिस को बताया था कि वो ब्यूटी पार्लर चलाती है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास। शिफ्टिंग की टेंशन? अब नो टेंशन, शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख इस बात की आज ही संपर्क करें 8821000717।